कमीशन को दिल्ली के अंदर उनके सम्मुख रखा कि समूह घ के साथ में हर साल अन्याय होता है, हर पे कमीशन में अन्याय होता है, क्योंकि केंद्र के जो साथी हैं क्लास डी के, वह साथी अलग से संगठन चलाते हैं। और हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी राज्य सरकारों के अधीनस्थ कर्मचारी हैं क्लास डी के, उनका अलग से संगठन है। तो सबसे पहले हमने पे कमीशन के अंदर अपनी बात को रखा, हमने महंगाई का हवाला दिया, तमाम चीजें हमने उस के दौरान रखी। और उसके बाद जब सातवां पे कमीशन लागू हुआ तो न्यूनतम उन्होंने वो 1800 का 18000 कर दिया, जिसका हमने विरोध किया। और हमारी मांग है कि न्यूनतम 26000 रुपया होना चाहिए, जो आज की तारीख में जो कर्मचारी लगेगा उसको 26000 रुपये मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे 1300, 1400 और 1650 को अपग्रेड करने में भी आज वही स्थिति सातवां पे कमीशन के अंदर हम लोगों के अंदर हो गया है। तो निश्चित तौर पे हम लोग, हमारे पूरे राष्ट्र का जो और भारत सरकार को तमाम राज्यों के माध्यम से हमने ध्यान आकर्षित किया है, जो अन्याय तुम बरसों से कर रहे हो इस बार बर्दाश्त, और पूरे देश के अंदर हम आपके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे कि ये 18000 रुपए सब जीवन यापन नहीं होगा। आज हम वरिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन हमारा चतुर्वर्ग का साथी ले रहा है, सम्मान लायक जीने लायक तो वेतन है और मान सम्मान भी हम लोगों का बढ़ चुका है। आवश्यकता अब इस बात की है साथियों, मेरी बहनों, कि इस संगठन को और मजबूत करने की आवश्यकता है।